बाहर चले जाएं, ये किसी तरह का हमारे साथ कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अभी इस वक्त इन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्ची हवाले कर दी ताकि यहाँ कोई और गड़बड़ ना हो सके, और अपने तमाम डॉक्टर्स को इन्होंने यहाँ से भगा दिया है। इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता किसी की जान जाने से, आप लोग सुन सकते हैं जिस तरह ये बता रही है कि ऊपर बच्चों की नर्सरी से भी इन्होंने डॉक्टर्स को यहाँ से रवाना कर दिया है। अब आप लोग बताएं कि ये हॉस्पिटल किस काबिल है? बिल्कुल कोई भी नहीं है, खाली एक थे जिन्होंने ये बच्चे दिए, बस कोई भी नहीं है वहाँ। उस लेडी गार्ड को भी बुलाया जाए जिसने कहा था कि यहाँ बहुत कुछ हो जाएगा, जान का खतरा है। कहाँ है वो लेडी गार्ड? वो गार्ड ऊपर गई थी अभी, लेडी हुमा नाम है उसका, हुमा नाम है। मैंने स्टाफ ने कंप्लेन करी थी, ठीक है, वार्ड में। वो तो डॉक्टर ने खुद बताया कि उसका गार्ड, उसका नाम हुमा है। आपकी वाइफ के वार्ड में भी उसकी ड्यूटी थी? ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं यहाँ होता था, फिर काम पे चला आया करता था। इसको गलत खून भी लगा दिया इन लोगों ने मेरे से बिना परमिशन के, और घर वाले कोई मौजूद नहीं थे, कोई नहीं थे, ना इसके नानी के घर वाले थे, ना इसकी दादी के घर वाले थे। ब्लड ग्रुप इन्होंने आपको दिया था, सैंपल दिया था, इन्होंने सैंपल अरेंज खुद किया है या आपने किया है, क्या मसला? अरेंज मैंने करा ही नहीं है, तो खून लगा कैसे? खुद उन्होंने लाके लगा, आपसे परमिशन भी नहीं ली। इन्होंने कहा खून अरेंज करो, ठीक है, डिलीवरी का कैसे खून लगेगा? आइए, बात सब जानते हैं कि डिलीवरी के वक्त खून लगता है या उसके फौरन बाद लगता है, ताकि औरत तो अच्छी से हो जाए, कमजोरी ना रहे उसके अंदर। 12 घंटे गुजर जाने के बाद खून क्यों लग रहा है उसको? जब आपकी वाइफ की तबीयत घबरा रही थी, फिर भी इन्होंने ब्लड रिलीज कर दिया, उसके बाद इन्होंने निकलवाया है, हम लोगों ने निकलवाया, हालत फिर भी खराब होती रही, तो इन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया उसकी। इन्होंने पास पता क्या कहा, हालत खराब हो रही थी, हम ब्रीफ पे लगा रहे हैं, यूरिन पास नहीं हो रहा है, यूरिन पास हो जाएगा। मैंने डॉक्टर को कंप्लेन करी, मैंने डॉक्टर सुबह जब 9 बजे मैं इसको वॉशरूम गया तो इसका यूरिन पास हुआ है, मैं इसका हस्बैंड हूँ, मेरे को पता है, उसने बताया। अब जब शाम में यूरिन पास नहीं हो रहा खून लगने की वजह से, जब खून लगा तो हरारत हो रही थी, कहा जा रहा है कि हम ब्लैंकेट उड़ा दो, ठंड लग रही है इसको। और उसके बाद इन्होंने कितनी देर आपकी वाइफ को मजीद यहाँ रखा? इन्होंने जुमेरात की शाम तक अपने पास रखा, 3 बजे के बाद कहना शुरू कर दिया कि इसको ले जाओ यहाँ से, इसको ले जाओ, ठीक है, इसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है। इन्होंने मुझसे कहा कि इसको मेगा लगेगा, वाइट सेल लगेंगे, एफएक्सपी के इंजेक्शन लगेंगे, अब मंगवाओ। मैंने जब जैसे ये सेल मंगवाए तो इन्होंने कहा कि इसको ले जाओ, कैस रेफर हो रहा है। तो मेरे घर वालों के जिद करने पे, ठीक है, रिक्वेस्ट करने पे इसके मेगा सेल लगे मेरी वाइफ के, तो जीना जब गया तो जीना वालों ने कहा कि अगर इसको नहीं लगते वाइफ सेल तो ये मर सकती थी रास्ते में। अमन की एम्बुलेंस में ये ऑन ऑक्सीजन गई है, बैठ के गई है, ठीक है, लेट भी नहीं पाई क्योंकि सांस उखड़ी थी, इसकी तबीयत इसी हॉस्पिटल में खराब हुई है। मैंने जब बोल रहा था आईसीयू में, इसको पानी पिलाया जा रहा था, आईसीयू में कौन पानी पिलाता जब वाइट सेल लग रहे होते हैं? इन्होंने कहा कि ठीक है कुछ नहीं होता यार, इन्होंने चलो खून लगाया ना, मैंने अरेंज नहीं करा तो वाइट सेल भी ये अरेंज कर लेते, वाइट सेल क्यों नहीं अरेंज करे इन्होंने, क्यों मुझसे मंगवाया इन्होंने? वैसे भी डिलीवरी जब ऑपरेशन से होती है तो उसके फौरन बाद पानी नहीं दिया जाता तकरीबन 1 दिन तक, ये इनकी गलती है कि इन्होंने पानी क्यों पिलाया, जिसकी वजह से उसके दोनों गुर्दे फेल हो गए और आज वो जिना हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। और इसके अलावा इन्होंने उस लड़की को सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट समझा, उस पर जी भर के इनके नए डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया और जब वो कामयाब नहीं हो सका तो उन्होंने डर के मारे उसको रेफर कर दिया कि जीना हॉस्पिटल ले जाए। ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों के कसाई है और कुछ नहीं, ये इंसानों के मुहाफिज नहीं है, ये कोई मसीहा नहीं है, ये सिर्फ कसाई है, या इनको चिन्हियों हॉस्पिटल नहीं कसाई खाना लिखना चाहिए। इनका ये रोज का है, जीना हॉस्पिटल में जुमेरात को वाइफ को रेफर करा, वो भी इन्होंने शाम को रेफर करा है। सुबह जब हमने कहा था कि देखो तबियत खराब है, मैं बता दो हम ले जाएं, शाम में कह रहे हैं कि ले जाओ, अगर कौन ले जाओ, क्यों ले जाओ, तुम्हारे पास जब है तो क्यों केस तुमने बिगाड़ा? नहीं समझ सकता तो मुझे सुबह बता देते यार, मेरी वाइफ के 2% चांस लेकर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया उसको, इसका इंसाफ कौन दे रहा मुझे? अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी वाइफ का पाकिस्तान में इलाज नहीं होता, क्या चाहते हैं कि सारा खर्चा चिन्हियों हॉस्पिटल होता है, आपकी वाइफ को सही होने के लिए बाहर छोटी सी बच्ची के साथ अपनी जिंदगी के कुछ अच्छे लम्हात गुजार सके। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि भरपूर एहतजाज किया जाए, कम एहतजाज किया जाए और ये एहतजाज किया जाए कि इन्होंने उस लड़की की हालत खराब की है, जब वो इस हॉस्पिटल में आई सिर्फ और सिर्फ उसका डिलीवरी केस था, इन्होंने उसके गुर्दे फिल कर दिए, इवन की उसके खत्म कर दिए। आप सुने, ये लिखना चाहिए कि ये
प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, ये एक चैरिटी पे चलने वाला हॉस्पिटल है, ये डोनेशंस पे चलने वाला हॉस्पिटल है और यहाँ सिर्फ इन्होंने कसाई खाना बनाया हुआ है। आप क्या चाहते हैं कि आपके जितने पैसे खर्च हुए वो भी वापस किया जाए, प्लस उसका जितना भी बाहर भेजने का खर्चा और इलाज का खर्चा है या ये वो भी वापस दे, आप ये चाहते हैं क्या? मुझे यहाँ पैसा नहीं चाहिए, मेरे को मेरी वाइफ चाहिए। या तो ये बाहर भेज के उसका इलाज करवाएं या तो ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट सील करे, क्योंकि ये जानों के दुश्मन बने हुए लोगों के। आपको फाइल इन्होंने दी, फाइल की समरी दी इन्होंने, आपकी बीवी के केस की फाइल की जो भी समरी थी वो इन्होंने आपके हवाले की या नहीं? इन्होंने मुझे ना सैंपल की रिपोर्ट नहीं पिलट के ना मुझे फाइल दी। जब मैंने फाइल मांगी ऊपर ICU में तो इनका कहना ये था कि क्या नाम है, हमने डिस्चार्ज पेपर बना दिया उस पर लिख दिया, तो मेरे को फाइल क्यों नहीं दी गई? मतलब मैं सही हूँ, ये चोर है। आप जब अपने घर गए कुछ सामान लेने तो आपके साथ कौन रुका हुआ था? मैं जब घर गया तो मेरी एक सिर्फ शादी थी और फूल लगा दिया गया इसके बिना आसरा करे फूलों को, और वो भी छोटी सी थी, शादीशुदा नहीं थी, वो कुंवारी थी, लड़की कुंवारी थी, वो शादीशुदा नहीं थी, वो शादीशुदा नहीं थी, कुंवारी बच्ची थी, छोटी सी थी, या कोई भी नहीं था उसके साथ, उन्होंने बगैर कहे ब्लड लगा दिया है। जाहिर बात है एक नासमझ बच्ची से इन लोगों ने ना पूछा और ना ही लड़की के हस्बैंड से पूछा कि क्या करना चाहिए। इन्होंने अपने ही जमाशुदा पुराना पता नहीं कितना इन्होंने पुराना खून लगा लिया, अल्लाह जाने उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि उसने खुद लड़की का अपना खून पानी बना दिया, उसके वाइट सेल खत्म हो गए, इवन कि उसके गुर्दे फेल हो गए, उसके पूरा सिस्टम ब्लड हो गया और आज ब्लड लगाया था। तीन फीसद चांसेस है, जिन्हें हॉस्पिटल के डॉक्टर को कहना है कि सिर्फ और सिर्फ 3% चांसेस है और वो बच्ची आज जिंदगी मौत के कश्मकश में सिर्फ इसी कसाई हॉस्पिटल की वजह से मौजूद है। मैं मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि इन्होंने पीछे से तमाम ग्रिल्स अपनी लॉक कर दी है, ये ना मीडिया को आगे डॉक्टर से बात करने दे रहे हैं, ना एडमिन के पास जाने दे रहे हैं, ये किसी तरह का कोई ताउन हमारे साथ नहीं कर रहे हैं। एसपी साहब भी कर रहे हैं और यकीनन ये एक लॉज है, देखते हैं आप लोग भी जिस साधन से ये चीज़ें हो रही हैं, गलत हो रही हैं और इसकी रोकथाम के लिए कोई तैयार ही नहीं है। हम देखें हर चीज़ में पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं, इदारे को क्या है कि बना देते हैं, बना देता है ये इदारा, ये जो है मेडिकल जो है ये तमाम चीज़ें क्या है उनको ऑफिस दिए गए हैं, अच्छा जनाब तमाम हर तरह की सहूलतें मौजूद हैं, उसके बावजूद भी क्या है यहाँ भी नहीं पता कि भाई किस किस्म के डॉक्टर्स हैं। हॉस्पिटल इतना बड़ा होने के बावजूद भी ऐसा जो है सानिहा पेश आना, ये इनके लिए भी एक सवाली निशान है, इदारे के लिए भी। देखिए दुनिया में चीज़ें अच्छी जब होती हैं जब इदारों पर क्या है रोकथाम हो और चेक एंड बैलेंस हो। हमारे यहाँ अफसोस की बात यह होती है कि चेक एंड बैलेंस कोई कुछ नहीं हो रहा है सही। इस वक्त जो मेडिकल एसोसिएशन जो है वो कहाँ है कहाँ नहीं है किसी को नहीं पता है। हम डिमांड हमेशा करते रहे हैं क्योंकि इससे पहले देखे कल परसों की बात है, एक बच्चा भी गलत इंजेक्शन लगाने के बायस क्या है वो भी मौत की कश्मकश में है। और अब ये खातून ऐसी है, अब देखिए लाइट बंद कराई गई है, यहाँ पे चलने लाइट नहीं जाती, इस तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं। हरबे इस्तेमाल करने से क्या होगा कि देखिए पाकिस्तान का इमेज खराब होगा, हमारा मुल्क है तो हम हैं, अच्छा मुल्क के खातिर देखिए हम सब निकले हुए होते हैं और ऐसे में क्या है ऐसे छोटे छोटे इदारे जो है इस तरह के हॉस्पिटल जो है वो मुल्क के लिए दबने का बायस बढ़ गए हैं। तो डिमांड ये करूँगा ह्यूमैनिटेरियन एक क्या सरबरा की और इसकी क्या है आला सतह पर इसकी तहकीकत हो और जो बेचारा मजलूम है जो शोहर है वो जो उनकी उसकी जो भी डिमांड है, पहले तो क्या इनकी जो वाइफ है वो जिन्हें अस्पताल में क्यों है वो आगा खान में क्यों नहीं है, ये अस्पताल इलाज करवा दें। अगर इनके दस्तरस से बाहर थी वो था वो केस तो इनको चाहिए था कि उसी वक्त रेफर करते, ना लेते उस केस को, क्यों लिया डिमांड ये करते हम क्यों लिया, अगर अगर इतना सीरियस पेशेंट था तो क्यों लिया, ऐसे में नहीं लेना चाहिए था। अब मरते हुए क्या है उसको रेफर करते हैं और फिर ऊपर से क्या है कि मुझे ये इतला भी मिली यहाँ के डॉक्टर्स और यहाँ के जो गार्ड्स जो हैं वो इनको उल्टा धक्के दे रहे हैं, इनको और संगीन नतज दे रहे हैं, चीज़ें गलत है जी हॉस्पिटल में, लेकिन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं दिया इन लोगों ने। अब इन लोगों ने फाइलिंग भी यकीन 100% कह सकता हूँ कि फाइलिंग आगे पीछे कर दी, क्योंकि चार दिन से बच्ची के लिए आ रहे, बच्ची कमजोर है, फीड नहीं कर रही, हो रहा है वो रहा है, ये नाटक चल रहे, आज क्यों रिलीज कर दिया मेरी बच्ची को इन्होंने, आज जब मीडिया आया यहाँ पे तो जांच करा हमने पूरा मत तो इन्होंने मेरी बच्ची को रिलीज कर दिया और वहाँ से डॉक्टर कहते हैं कि देखिए बच्चे रिलीज हो गए इसका डिलीवरी मोबाइल आज तभी मोबाइल खड़ी हुई थी और अभी आ गई है
रेंजर्स हमारी अपनी है, पुलिस हमारी अपनी है, ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। और उनके सामने भी बात हो सकती है, सही है कि भाई आपने कोई जुर्म नहीं किया है, आप अपनी रोदात कर सकते हैं, क्योंकि जमहूरियत नहीं है, जिस रूप में हम रह रहे हैं वो जमहूरियत है, वहाँ आजादी है। कि जो बच्ची है, मैं मीडिया के तवज्जो से ये दरख्वास्त करूंगा, ये जो तो कि ये बच्ची को दोबारा वेंटिलेटर में बिठाया जाए, ताकि बच्ची की जिंदगी को क्या है यकीनी बना रहे हैं। पहले तो ये करते हैं, जाओ इसकी मैनेजमेंट से बात करते हैं, आया मैनेजमेंट का क्या क्या मौका है। जो इन्होंने अरेंज करने को दिया था, उन्होंने इसका मतलब ये कि इनके हॉस्पिटल में ब्लड बैंक नहीं है, तो ब्लड आया कहाँ से? यही तो ब्लड और सिरिंज में तो हो ही नहीं लगा मैडम। आपको पता है ब्लड ब्लड और सिरिंज हमारे लिए एक ऐसा मसला हो चुका है जो कि कोई रोकथाम नहीं हो रही है। क्या इंजेक्शन लगाने के बायस क्या है अमवात हो रही है? अच्छा ब्लड का दया केस आ गया, न जाने ऐसे कितने केसेस हैं। आज तो ये एक महीने में 20 दिनों में 850 केसेस गायब के नजर आए। बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, सिर्फ ये बना के दे दिया, डेट ऑफ बर्थ दी थी। हम बात क्या है, आप देखें मीडिया को दिखाएं, कहाँ लिखता है कि मेरे साइन का है, कहाँ लिखता है बताएं, क्लियर करें। देखें ये देखें, मैं सारी फाइल दिखाता हूँ, झूठा नहीं हूँ। एडमिन से बात कर रहे हैं, सब सही है, ये एक्सरे उसका, एडमिन से बात की जा सकती है। सिलसिले में बिल्कुल हम आपके साथ हैं, देखिए इंसानियत के लिए काम करते हैं और इंशाल्लाह आपके साथ बचा रहे हैं। अल्लाह से दुआ गो हैं हम कि पेशेंट की क्या है रिकवरी के लिए, और बाकी ये है कि हम इंशाल्लाह अपनी बात कर लेते हैं, जो भी इनको देना जरा चेक कर लें। आप हमारे साथ आए, मीडिया से रिक्वेस्ट है, अच्छा लग रहा है कि भाई मीडिया ऐसे मौके में पहुंच जाते हैं। अगर मीडिया ना हो तो ये इस किस्म के अस्पताल, इस किस्म के छोटे छोटे जो इदारे बने हैं गली कोंचू में, ये ना जाने कितनों को मार डाले। मैं अप्रिशिएट करता हूँ मीडिया को कि मीडिया का हाईलाइट करने के बायस क्या ये चीज़ें सामने आ जाती हैं, वरना यहाँ कोई पुरसान हाल नहीं है, इदारा कोई चेक नहीं कर रहा है। ऐसे में क्या है, प्लीज पुलिस को कुछ नहीं कहें, रेंजर्स को कुछ नहीं कहें, हमारी अपनी एजेंसी है, आए कोई मशीन नहीं है, आपके साथ जाती हुई है, वो भी आपके साथ होंगे, ऐसे कोई बात नहीं। अफसरान जो है वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं। कहिए तो ये दरख्वास्त होगी, हम चलते हैं, चल के इसकी मैनेजमेंट से बात कर लेते हैं कि भाई मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू लाना बहुत ज़रूरी है। सर मैनेजमेंट ने अगर फाइलिंग चेंज कर दी तो, देखिए चोर कभी चोरी करके ये नहीं कहता कि मैं चोर हूँ, हमेशा व्हाइट कॉलर हो जाता है। ये चोर है, चार दिन बाद मेरी बच्ची का ये दिया, ये बच्चा भी क्या है, उनका कहना ये की चांसेस इसके नहीं है बचने का। उनका सवाल तो सबसे पहले ये था, हुआ क्या, जब हमने बच्ची कंडीशन उनको बताई, फर्स्ट डिलीवरी है, डिलीवरी के बाद सेट चेकअप कहाँ से हो रहा था इसका? फर्स्ट एंड लास्ट डे यहीं से हुआ, जल्दी से जल्द से यही। अच्छा कौन सी डॉक्टर साहब? डॉक्टर रफिया, डॉक्टर रफिया घाट रूम में है, उसको पकड़ लिया है वहाँ पे। डॉक्टर रफिया के पास चलते हैं और इस केस की मजीद जांच कर रहे हैं।